फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन आर चैनल स्पार्कलिंग डीवा में मैं सृष्टि में यहाँ पे वीडियोस लेकर के आती हूँ रिलेटेड टू फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल व्लॉग्स एंड सम मेंटल टिप्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है, नवरात्रि चल रही है, तो ऑलमोस्ट एंड पे आने वाला है। आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी नवरात्रि। तो आज यहाँ पर हमारे ही लोकेलिटी में डांडिया नाइट होने जा रहा है एंड मैं इतना सच धज के वहीं पर जा रही हूँ, तो आज डांडिया नाइट व्लॉग होने वाला है। तो चलिए बने किसी तरीके राइट जंप इनटू द वीडियो और देखते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ द डांडिया नाइट। सो गाइज, मैं पहुंच चुकी हूँ वेन्यू पे, और जहाँ पर डांडिया नाइट ऑर्गेनाइज किया गया था वो मेरे घर से बिल्कुल 5-10 मिनट के रास्ते पे है, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। मैं वॉक करके ही चली गई एंड बेसिकली फर्स्ट टाइम ये हमारे लोकेलिटी में डांडिया नाइट ऐसा ऑर्गेनाइज हो रहा था। तो मैं काफ़ी टाइम से या मैं बहुत पहले से ही चाहती थी कि मैं कभी डांडिया नाइट ऐसे अटेंड करूं एंड विटनेस करूं एंड पार्टिसिपेट करूं। तो ये मेरा भी फर्स्ट टाइम था और हमारे लोकेलिटी में भी ये फर्स्ट टाइम हो रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। एंड कोरोना की वजह से आप देख रहे हैं लोग काफ़ी कम थे। मे बी शायद अगले साल इसी तरह का ऑर्गेनाइज किया गया डांडिया नाइट लोकेलिटी में तो पक्का बहुत ज़्यादा लोग या भीड़ देखने को मिलेगी नेक्स्ट ईयर। बट थैंक गॉड ज़्यादा भीड़ नहीं थी। मैं भी चाह रही थी कि भीड़ ना हो, बिकॉज सबको अपना सेफ साइड लेकर चलना है, कोरोना का टाइम है। तो काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा ये अच्छा सक्सेसफुल रहा डांडिया नाइट। फर्स्ट टाइम ये ऑर्गेनाइज किया गया था एंड बहुत ही बढ़िया अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा भी फर्स्ट टाइम, एंड मैंने बहुत इन्जॉय किया। एंड गाइज, जैसे ही मैं वेन्यू पर पहुंची तो मैंने वहां पर अनाउंसमेंट सुना कि आप जो भी परफॉर्मेंस करेंगे उसके लिए अलग अलग 3 कैटेगरीज में प्राइजेस भी रखे गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक मोटिवेटिंग फैक्टर रहा और मैंने भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करी वहां पर। तो लोगों को वहां पर फिर अलग अलग 3 कैटेगरीज में अवार्ड या फिर प्राइजेस भी दिए गए हैं लास्ट में जब डांडिया ख़त्म हो गया था। तो अभी तो जस्ट इन्जॉय कर रहे थे एंड उसके बाद चीफ गेस्ट आ गए थे एंड वहाँ पर फिर वो जजमेंट एंड ऑल शुरू हो चुका था। एंड शुरू में थोड़ा सा मैं हिचकिचा रही थी, बट धीरे धीरे उसके बाद मैं जा कर के मैंने ओपन ग्राउंड में जा कर के मैंने भी कुछ डांडिया के स्टेप्स किए। हालांकि मैंने कभी डांडिया किया नहीं है। हाँ, स्कूल में थोड़ा बहुत जो फंक्शन हुआ करता था, कल्चरल फंक्शंस, उसमें मुझे याद है मैं 9th क्लास में हुआ करती थी तो मैंने डांडिया परफॉर्मेंस किया था। बस वही मुझे याद है, वो एक गाना था ना सोनू निगम का, हुआ ए तेरे भवन, उस पर किया था। तो मुझे वो सारी चीज़ें फ्लैशबैक हो रही थी एंड एज सच मैं कोई प्रोफेशनल या मुझे पहले से डांडिया नहीं आता, जस्ट थोड़े बहुत स्टेप्स जो थे जो हम टीवी एंड ऑल में देखते हैं बस वही थोड़े बहुत किए। एंड लिटरली मेन आइडिया था, कंसेप्ट था कि मैं थोड़ा सा इन्जॉय कर लूँ एंड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा रूटीन से भी। एंड लिटरली आई इन्जॉयड लॉट एंड मैं अपने फ्रेंड्स के साथ में गई थी तो उन लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया, मैंने भी इन्जॉय किया एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस इट वॉज। एंड आई होप कि नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही ऑर्गेनाइज किया जाए एंड मैं और बेहतर तरीके से अपना बेस्ट दूँ या फिर इन्जॉय करने के लिए एक अच्छा मीडियम है यू कैन से डांडिया। एंड ऑब्वियसली कोरोना का इतना ऐसा ड्रास्टिक और इतना सीरियस माहौल रहा है जिसकी वजह से वी नीड सच थिंग्स इन आर लाइफ फॉर बैलेंसिंग आर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। सो हमने बहुत इन्जॉय किया। खाने पीने का स्टॉल भी था बट हमने प्रेफर नहीं किया क्योंकि इट्स नॉट सेफ फॉर हाइजीनिक एट दिस टाइम एंड वी जस्ट इन्जॉयड। एंड हमारे पास डांडिया भी नहीं थी, मैंने अपने घर में ही DIY डांडिया बनाया था, वही था हमारे पास। हम एक एक से ही डांडिया से खेल रहे थे एंड मैंने वहाँ पर भी जाकर के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से पूछा था बट वहाँ पर थोड़ा सा हम लेट पहुँचे थे, तो एक्चुअली 6 o'clock का टाइम था तो हम डांडिया नहीं मिल पाया, वहाँ पर ख़त्म हो चुका था। एंड एक्चुअली मैं एक्सपेक्टेशन से थोड़े से ज़्यादा लोग हो गए बट अगर हम देखें ग्राउंड में तो काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं था कि फ़र्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हो रहा है इसीलिए। एंड ऑल्सो लोग थोड़ा सा कोरोना की वजह से थोड़ा हिचकिचा भी रहे हैं बाहर थोड़ा सा भीड़ में आने के लिए, बट इट वॉज़ ऑल सेफ एंड इतना खुला ग्राउंड था तो प्रॉपर डिस्टेंसिंग भी मेनटेन हो रही थी, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं थी। एंड वी इन्जॉयड अ लॉट एंड मैंने काफ़ी कोशिश भी करी आसपास में कोई डंडी लकड़ी मिल जाए तो हम लोग अपने पेयर के साथ में डांस कर पाएँ, बट नहीं मिल पाया तो हमने एक ही डंडी से एक ही लकड़ी से काम चला ली एंड जो कि मैंने घर में DIY बनाया था। बहुत ही ईजीली आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको
टिपिकल वो डांडिया वाला डांडिया ही चाहिए आपको, मोटी सी लकड़ी चाहिए एंड कुछ टेप चाहिए, जो डेकोरेटिव टेप्स आते हैं आप उससे उसको कवर और रैप कर लीजिए, आपका डांडिया रेडी है कोई भी डांडिया नाइट या गरबा नाइट में ले जाने के लिए। एंड मैंने यहाँ पे फिर घूमर वाला डांस भी किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो डांडिया नाइट पे घूमर वाला डांस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, सो दिस वन इज़ द मस्ट। एंड मैं पूरा प्रॉपर तैयार हूँ और ये मेकअप लुक भी मैंने किया है, तो ये भी इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इस तरीके से आप मेकअप कर सकते हैं नवरात्रि पे, डांडिया या गरबा नाइट में। आप देख सकते हैं मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। एंड ये कुछ डांडिया के स्टेप्स, कुछ खास तो नहीं है बट थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की है डांडिया करने की, एंड मुझे बहुत ही मज़ा आया, फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था एंड लिटरली वी एंजॉयड अ लॉट। एंड इतने पे यहाँ पर जजमेंट भी चल रहा था, एंड इसके बाद देखिए क्या होता है आगे। एंड हेयर इट इज, एंड इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, मेरे को यहाँ पर प्राइज दिया गया फॉर द बेस्ट आउटफिट एंड स्टाइलिंग के लिए, एंड मैं बहुत खुश हो गई थी। एंड और इसके बाद प्रोग्राम तो चल रहा बट मैं घर चल। सो फ्रेंड्स आई एम बैक। तो मेरे को आप लोगों ने जैसे कि वीडियो में देखा होगा कि मुझे यहाँ पर प्राइज़ मिला है, एक्चुअली वहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का भी प्रोग्राम था, तो वहाँ पर मुझे बेस्ट आउटफिट का ये प्राइज़ मिला था वहाँ पर। एंड आई डोंट नो कि उनको शायद मे बी मेरा गेटअप अच्छा लगा होगा डांडिया के लिए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा जैसे कि मैंने इस वीडियो में इन्जॉय किया है, बहुत सारा डांस और डांडिया। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ में, और आप लोगों ने डांडिया कैसे सेलिब्रेट किया, नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट किया कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन एंड अपडेट इजीली मिल जाए। तो मिलते हैं अगली बार किसी एक्साइटिंग ब्लॉग और किसी नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइस।